हेलो गाइस, वेलकम टू माय कॉलेज सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरा कॉलेज सुपौल डिस्ट्रिक्ट के मेन मार्केट, बस स्टैंड हो या फिर सुपौल रेलवे स्टेशन के 1-2 किलोमीटर के अंडर में एस्टैब्लिश है। गाइस, मेरे कॉलेज में वैसे स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है जो जेईई मेंस में मोर देन 16% मार्क्स लाते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरे कॉलेज अराउंड 9 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एकेडमिक बिल्डिंग, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कैंटीन एंड ओपन थिएटर की व्यवस्था की गई है। गाइस, इतना ही नहीं, मेरे कॉलेज में 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच एंड कंप्यूटर साइंस की तैयारी कराई जाती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। मेरा कॉलेज किस तरह से डे में दिखाई देता है और नाइट में, डे में आप देख सकते हो मेरा कॉलेज किस प्रकार दिखाई देता है, और इससे बढ़िया हमारा कॉलेज नाइट में दिखाई देता है। तो हमारे साथ बने रहे, मैं आपको कॉलेज विजिट कराने के साथ साथ बहुत सारी जानकारी देते रहूँगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट भी होता है। अब की बार फर्स्ट फेज में हमारे कॉलेज में 10 कंपनियाँ आई थी, जिसमें 97 स्टूडेंट को प्लेसमेंट हो चुका है। फर्स्ट फेज में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो है 6.42 लाख, और इसके साथ साथ 2023 के अंदर सेकेंड फेज का प्लेसमेंट भी होने वाला है, जिसमें अब की बार 15+ कंपनियां आने वाली है। तो गाइस, चलिए मैं आपको अपने कॉलेज का विजिट कराता हूँ। तो गाइस, ये है गर्ल्स हॉस्टल, और गर्ल्स हॉस्टल के सामने से मैं आपको अपने कॉलेज का नज़ारा दिखा पा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। तो गाइस, ये जो है हमारे कॉलेज के प्रोफेसर अपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारे प्रोफेसर रहते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पे एलिवेटर की भी सुविधा है। टोटल चाहे एकेडमिक बिल्डिंग हो या हमारे प्रोफेसर अपार्टमेंट हो, वहाँ पे एलिवेटर का व्यवस्था की गई है। तो गाइस, देख सकते हैं हमारे कॉलेज का नज़ारा इस प्रकार है। गाइस, ये तो डे का नज़ारा है, आप नाइट का नज़ारा देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इतने ज़बरदस्त लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिखाऊंगा मैं, हमारे साथ बने रहें। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे प्रोफेसर अपार्टमेंट है। गाइस, ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये हमारे कॉलेज का ओपन एयर थिएटर है, जहाँ पर हम लोग पार्टी का सेलिब्रेशन करते हैं। तो गाइस, इस प्रकार है मेरे कॉलेज का व्यू। चलिए गाइस, मैं कुछ हाइट से दिखाता हूँ मेरे कॉलेज का बॉयज हॉस्टल कैसा है और एकेडमिक बिल्डिंग कैसा है। तो आप देख पा रहे हो, मैंने ऊपर ड्रोन ले गया, और ये जो आप देख पा रहे हो, हमारे कॉलेज में 2 बॉयज हॉस्टल है, B1 में 200 एंड B2 में 200, यानी 400 स्टूडेंट के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। तो गाइस, आप देख पा रहे हो, ये हमारे कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग का कैंपस यानी प्लेग्राउंड का नज़ारा है, जहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो चलिए मैं आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ, जो इस प्रकार है। गाइस, हमारा कॉलेज जो है पूरे नेचर से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा और कूलनेस फील होता है। तो गाइस, देख सकते हो मेरे कॉलेज का नज़ारा, नाइट का व्यू कैसा है। गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे कॉलेज को डेवलप करने के लिए हमारे कॉलेज के सारे फैकल्टी मेंबर का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन खासकर मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर एन मिश्रा सर का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उनके आने के बाद मेरा कॉलेज इतना फास्टली डेवलप किया है, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद ब खुद देख सकते हो इस प्रकार हमारा कॉलेज दिखाई देता है। गाइज, एकदम IIT की तरह मेरा कॉलेज दिखाई देता है, जो आप देख सकते हो। मेरा कॉलेज दिन को चमकता है और रात को चमचमाता है। गाइस, मेरे कॉलेज में सोलर सिस्टम का भी व्यवस्था हो चुका है, यानी लाइन कटने के बाद भी मेरा कॉलेज चमचमाते रहता है। तो आप देख सकते हो, ये कॉलेज से शहर का नज़ारा, यानी सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो शहर है, मेन नज़र आप देख सकते हो, जो इस प्रकार है। वाह, क्या गजब का व्यू है। ये जो नज़र आप देख रहे हो, ये 200 मीटर हाइट से मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस, चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉलेज के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग जो है,
इसमें 20 क्लासेस रूम है एंड 40 लैब्स रूम है। तो गाइज इस प्रकार मेरे कॉलेज का नजारा है, आप देख सकते हो। इस जो साइड में दिख रहा है, राइट साइड में, ये है ओपन एयर थिएटर जहाँ पे हम लोग पार्टी करते हैं, और जो सामने दिख रहा है वो है हमारे स्टाफ क्वार्टर जहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं। और ये जो नज़ारा तो हमारा मेन गेट का है जो आप सामने देख पा रहे हो। गाइज ये जो नज़ारा है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के जो बिल्डिंग है उसके सामने से लिया गया है, जो इस प्रकार दिख रहा है। वाओ, तो गाइज देख सकते हो ये है गर्ल्स हॉस्टल यहाँ का, और ये रहा मेरे प्रिंसिपल सर का अपार्टमेंट। तो गाइज देख सकते हो हमारे कॉलेज से इस शहर का नजारा, यानी सुपौल डिस्ट्रिक्ट का नजारा, गजब का है। लेकिन तो चलिए गाइज चलते हैं आगे, और मैं आपको दिखाता हूँ बॉयज हॉस्टल के सामने का नजारा। तो गाइज ये रहा हमारे बॉयज हॉस्टल के सामने का नजारा जो इस प्रकार है। तो गाइज ये जो मैं नजारा दिखा रहा हूँ, यहाँ बॉयज हॉस्टल 1, बॉयज हॉस्टल 2 एंड ये है हमारा स्टाफ क्वार्टर जहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये हमारे प्रोफेसर अपार्टमेंट है, और ये जो आया ये गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ का। गाइज यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल 1 है लेकिन दूसरा पास हो चुका है, यानी हमारा जो दूसरा गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे बनने वाला है मेरा दूसरा गर्ल्स हॉस्टल। ये जो आप दिख रहा है ये हमारा लाइब्रेरी है, और ये जो सामने जो दिख रहा है वो हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, लैब करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मैं ओपन थिएटर से ये नज़ारा दिखा रहा हूँ ये थोड़ा और ये जो गाइज व्यू है हमारे कॉलेज का सबसे ऊपर, यानी 300+ मीटर हाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस प्रकार मेरा कॉलेज से शहर का नज़ारा दिखता है और कॉलेज का नज़ारा दिखता है। देख सकते हो कितने गजब का व्यू है हमारा कॉलेज, एकदम IIT की तरह लगता है, IIT की तरह फील होता है। वाओ गजब का सीन है, देख सकते हो बॉयज हॉस्टल दोनों जो आपको दिख रहा है, बॉयज हॉस्टल है हमारा यहाँ का। ये जो ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग मैच खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं, बहुत सारी गेमें खेली जाती है। अब चलिए चलते हैं आगे, और आगे का मैं भी दिखाता हूँ। गाइज ये जो नज़ारा है मैं बॉयज हॉस्टल के कॉर्नर से दिखा रहा हूँ, यानी बॉयज हॉस्टल की तरफ से दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार यहाँ से सामने गर्ल्स हॉस्टल हो गया, एकेडमिक बिल्डिंग हो गया, और प्रोफेसर अपार्टमेंट हो गया। तो चलिए गाइज चलते हैं आगे, और मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। गाइज मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा कॉलेज किसी फेस्टिवल लाइक 15 अगस्त 26 जनवरी में किस तरह दिखाया जाता है, तो देखिए ऐसा। तो गाइस देख सकते हो मेरे कॉलेज का नज़ारा इस प्रकार दिखाई देता है, मेरा कॉलेज एकदम तिरंगा के कलर का नज़ारा दिखाई देता है। वाओ सुपर्ब गाइस, मेरा कॉलेज को दुल्हन की तरह सजाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी के शुभ अवसर पे, जो इस प्रकार है। वाह सुपर्ब, दुल्हन की तरह सजाया, एकदम दिवाली की तरह लग रहा है। तो गाइस लास्ट में बस यही कहूँगा, आप सभी मेरे कॉलेज में आकर विजिट कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और साथ ही साथ एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हो। तो गाइज आप सभी का इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।